उम्मीद पे खरे भी उतरे भगवान की कृपा से, वो बड़ी मजेदार बात रही हमारे लिए। देखा है यार शो तो बहुत सारे, इसमें नारियों को लड़कियों को ज़्यादातर दिखाया किस तरह की सामना करना चाहिए जब मुसीबत हो, मतलब खुद को टूटना नहीं चाहिए, खुद को रोकना चाहिए, टूटना बिखरना नहीं है। शो एक ये मैसेज दे रहा हूँ, देख रहा हूँ जी। हाँ, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही एम्पावरिंग शो है, क्योंकि जैसे पुष्पा तो स्टार्टिंग से आपने देखा है कि हर मुसीबत का सामना उसने या तो कोई जुगाड़ करके किया है, उसके पास हर मुसीबत का सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है, जैसे हर औरत के पास होता है। तो यस, और हर मुसीबत में उसने कितने अच्छे से, मतलब इस उम्र में जाके उसने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करके अब कॉलेज में जा रही है अब, और फैमिली के डे टू डे चैलेंजेस तो वो अच्छे से फेस कर ही रही है। तो या ये औरतों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर औरत के लिए ये शो है, और औरतों के लिए बहुत एम्पावरिंग भी शो है। एक नया नज़रिया, एक नया एहसास दे रहा है ये शो कि सिंगल वुमेन कैसे जीती है। हम ज़्यादातर एजुकेटेड और एम्पावर्ड वुमेन तो देखते हैं, इन द सेंस ऑफ एजुकेटेड एम्पावर्ड वुमेन, लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे औरतें होती है, जो जैसे पुष्पा घर के टिफिन चला के भी अपने चार बच्चों को ऐसे संभाल के बड़ा किया, ये तो ये देखने के लिए बहुत ही अच्छा शो है कि डे टू डे औरतें तो ऐसे ही जिंदगी अपनी यू नो जगदोजहद रियल लाइफ में चलता है। और आपके भी आखिरी सवाल ये है कि आपने भी एक बेटी है आपका जो है राज प्रार्थना, जो प्रार्थना है हमेशा एक माँ के जो होता है सपोर्ट, हमें सपोर्ट दिया आपने बेटी को सुख और दुख में, किस तरह झेलना है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है, किस तरह परिवार को लेकर चलना है, आपने भी एक संस्कार दिया अपना प्रार्थना को जी। और आपको जो पति है थोड़ा सा किस तरह हैंडल करना किस मोमेंट पे, दो डांट भी सुन लेती है जी। जैसे बकोद्रा को तो आपने देखा, जो जर्नी उनकी और सुशीला बकोद्रा एज अ मैरिज या कपल भी शुरू हुई थी, वहाँ से अब इस तीसरे साल तक तो हम बहुत ही अलग कपल, मतलब बहुत ही अब तो रेड फ्लैग कपल में से एकदम ग्रीन फ्लैग कपल बन चुके हैं, ग्रीन फ्लैग पार्टनर बन चुका है वो। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा पड़ाव हमने क्रॉस किया कि कई बार ज़िंदगी में जैसे मिडिल एज में या लेटर एज में आके मेरा हस्बैंड सुधरा और ये सब हुआ, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाई गई है कि एक बदलाव कभी भी हो सकता है, और वो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे हो, अगर एक सुखद बदलाव है तो वो अच्छी ज़िंदगी जितनी आपकी बची आगे की वो बेहतर कर देता है। जैसे बकोद्रा अब चेंज हुआ है तो सुशीला और बकोद्रा के डायनामिक्स चेंज हो गए, उसके परिवार पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, अपने बच्चों पे, अपने जमाई, ये पुष्पा के साथ उसके रिश्ते सुधर गए। तो एक बदलाव जो उसकी ज़िंदगी में आया उसकी वजह से काफ़ी बदलाव उसने महसूस किया अपनी ज़िंदगी। सुशीला हमेशा चिराग को और प्रार्थना को कुछ दिखना चाहती है, पर जो बपोद्रा है हमेशा ताना अभी तक भी देते ही रहता है। वो एक स्वभाव है उनका, जैसे कहते हैं ना कि सब बदल सकता है लेकिन आदमी का मूल स्वभाव जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता। हालाँकि उन्होंने बहुत कोशिश की है, तो कई बार क्या हो जाता है कि हम कोशिश या अवेयरनेस में वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी पे आ जाते तो अपनी पे आ जाते। तो कई बार अब तो काफ़ी संयम आ गया, लेकिन हाँ वो कभी कभी तो फिर बपोद्रा अपना रंग दिखा देता है। सुशीला और क्या इसमें और नया कुछ आना, जैसे एक बार भी आप माँ भी मरने वाले थे जी। बहुत दुख झेले आपने, कोशिश की आपने कि जो लास्ट है हम उसको आखिरी तक कुछ ना हासिल कर करें, पर वो तो हमारे मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन एक खुशियाँ भगवान सुशीला को दिया था, पर किसी न किसी कारण बोलते हैं ना कि टर्न अ ट्विस्ट एक शो ने, तो क्या बोला उस समय जब सुशीला क्या महसूस की थी जब इस तरह घटना हुआ? तो जैसे जब प्रेगनेंसी हुआ था तभी भी एक डिफ़िकल्ट फेज था, क्योंकि लेटर एज में आई थी, फिर उसको ओवरकम करके सुशीला ने जब डिसीजन लिया कि बच्चा करना है। जो हमारे पुराने दोस्त है, और देखो आप क्या बोलना चाहते हैं मानसी जी इस शो के बारे में और डबल रूल इसके बारे में, बताइए सुशीला जी के बारे में। मेरे को सीन में बुला लिया गया है, तो आई थिंक सुशीला आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी ये डबल रोल, और तुरंत बताएगी। हाँ मैं आके बताऊंगी अपना शॉट देने के बाद, क्लोज के बाद मिलेंगे हम सब। प्रिंसेस के बारे में कोई बता देता है। हाँ, तो जैसे कि फिर बच्चा आया, बच्चा किडनैप हुआ उस भी पड़ाव में से एक सुशीला गुजरी, और अभी फिलहाल जो आगे आ रहा है वो अगेन प्रार्थना और चिराग का जो मैरिज है उसके अपने चैलेंजेस है, और उसमें हमारा किरदार एक पेरेंट की तरह से, इन लॉज की तरह से वापस से इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आगे अलग चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे एज पेरेंट्स, एज इन लॉज। तो उम्मीद करते हैं सुशीला जी इस तरह आपको प्यार मिलता रहे और लोगों को हमेशा आप सब पर विश्वास बना रहे। यस मैम। हाय, मैं हूँ तुलिका पटेल और आप देख रहे हैं मुझे टीवी से बॉलीवुड तक। तो आप देखते रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल, वो दे दो।
आप देखते रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल सोनी सब, सोनी सब आप देखते रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल सोनी सब पर। अब हम आ गए हैं एक घंटे के लिए।